प्रदेश के अमरोहा के धनोरा विधानसभा विधायक ने कोरोना महामारी को हराने के लिए खुद मास्क बनाने का फैसला किया। तस्वीरों में विधायक मास्क बनाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा विधायक राजीव तरारा गरीबों को राशन और खाने के पैकेट बांटने का भी सिलसिला जारी है। हम आपको बता दें कि विधानसभा धनोरा से भाजपा विधायक राजीव तरारा ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्केट में मास्क जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिसको देखते हुए उसने यह फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में और 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया गया है। आपको बता दें कि विधायक राजीव तरारा गरीबों को राशन व खाने के पैकेट भी बांट रहे हैं। वहीं विधायक का यह भी कहना है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इस कोरोना वायरस को हमें हराना है और सभी को मिलकर इसमें सहयोग करें। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। जी विधायक जी, आज जो ये मास्क को बना रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या पार्टी हित के लिए, अगर और किसी की बात की जाए तो ऐसा मैंने किसी भी विधायक को नहीं देखा है। आज पहली बार आपको इस कार्य को करते देखा है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आज सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन हमारी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इसके पूर्व में जो जनसंघ, जिसका उद्देश्य अंत्योदय, इस भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देने के लिए, उसके अधिकार देने के लिए, ऐसी विचारधारा के साथ स्थापना हुई। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में मैंने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि और आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हमने मास्क बनाने का फैसला लिया। ट्रिपल लेयर मास्क, आप ये देखिए, ये ट्रिपल लेयर मास्क है। 3 लेयर जो एक मानक है उसके अनुसार हम आज अपने हाथ से मास्क तैयार कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आज ज़रूरत के हिसाब से जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, मास्क बहुत ज़रूरी है, वो नहीं मिल पा रहा है मार्केट के अंदर। तो हमने भी यह फैसला लिया कि आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने हाथ से मास्क बनाकर बांटेंगे और जितने बना सकते हैं उतने बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1000 से ज़्यादा मास्क बनाने की सामग्री हमारे पास है, ये साइड देखिए, और लगभग 100 मास्क हम तैयार कर चुके हैं। ऊपर वो रोल रखा हुआ है, भाई हमारे काट रहे हैं और मैं इसको मशीन द्वारा तैयार कर रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो मैं, चूँकि हमारी पार्टी की जो मंशा है वो सेवा भाव ही रही है, तो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी का एक उद्देश्य है कि 130 करोड़ देशवासी, उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसी विचारधारा के साथ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी काम कर रहे हैं और इसी मंशा के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सेवा भाव के साथ काम कर सकते हैं, तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता पहले हूँ, विधायक बाद में हूँ। इसी मंशा के साथ पहले हमने अपने यहाँ पर मोदी योगी रसोई शुरू की 25 तारीख को ही, जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, और अपने हाथों से, जो मेरे कार्यालय के सहयोगी हैं, मेरे भाई हैं, हमने कोई बाहर वाला कारीगर नहीं लेकर आए, अपने हाथ से यहाँ खाना बनाकर पैक करके उसको वितरित कर रहे हैं ज़रूरतमंदों तक, जो भी है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, सुरक्षा में लगे हुए भाई हों, या जो मांगने वाले हैं या ठेले रेड़े वाले हैं, इन सब के लिए हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हमने बछराइयों में भी अपनी मोदी योगी रसोई शुरू कराई है, धनोरा में भी हमारी मोदी योगी रसोई चल रही है, और आज ज़रूरत पड़ी कि मास्क बनने चाहिए, पार्टी की मंशा वही है कि छोटा बड़ा काम नहीं देखना है, बस ज़रूरत का समय है, महामारी का समय है, तो प्रत्येक देशवासी को इन सबसे ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी निभानी है। मैं मास्कों का यहाँ पर बना रहा हूँ अपने हाथ से, और आज मैंने अपने वेतन से, 1 माह का वेतन, मुख्यमंत्री जो राहत फंड है इस कोरोना महामारी से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, उसमें, और 1 माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में, जो COVID-19 से लड़ने के लिए काम कर रहा है, उस फंड में दिया है। 1-1 माह का वेतन मैंने दोनों में आज दे दिया है, और आगे भी मैं ये सब काम जो भी मेरे से बनेगा, जब तक लॉकडाउन में, मैं एक विधायक के रूप में, एक सेवक के रूप में, अपनी विधानसभा से पूरी सत्य निष्ठा के साथ करता रहूँगा। आपका सभी का धन्यवाद, नमस्कार।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.